आज हम बात करेंगे Realme C25s के बारे में और इस फोन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलता है और ये फोन के अंदर कमी क्या क्या कमी है गाइस और इस फोन को हमें खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए तो नीचे उतर सर्च फोन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस फोन का हमें जो प्राइस देखने के लिए मिलता है नो डाउट 11,000 का स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है। और गाइस इस फोन का डिस्प्ले मुझे सबसे बड़ा बक लगा है क्योंकि 6.5 इंच का सिर्फ HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जो इसके प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सिर्फ एक HD प्लस ही मिलता है, नॉट फॉर फुल HD प्लस, नॉट फॉर सुपर AMOLED, कुछ भी यूज़ नहीं किए गए जो इस फोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जब आप गेम खेलते टाइम आपको डिस्प्ले यूज़ करेंगे इतना मज़ा नहीं आने वाला है। इस फोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। इस फोन के अंदर हमें जो कैमरा देखने के लिए मिलता है एक 48MP का AI ट्रिपल कैमरा देखने के लिए मिलता है जो इसके प्राइस के हिसाब से जस्टिफाई करता है, लेकिन इसका कैमरा का क्वालिटी भी मैटर करता है। 48MP का जो कैमरा का जो क्वालिटी एक 13MP का कैमरा है जो इसका फ्लिपकार्ट में आप जब जाओगे आपको 13MP का शो करेगा और आप जब रियलमी का वेबसाइट में जाओगे तब आपको 48MP का शो करेगा इसका प्राइमरी लेंस। बाकी सब 2MP का है, 2MP का एक कैमरा मिसिंग है। ये जो कैमरा है सबसे क्वालिटी के मामले में सबसे क्वालिटी है। एक 48MP का कैमरा दावी करता है रियलमी और लेकिन इस फोन के अंदर आपको 4K वीडियो तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। एक 48MP का कैमरा है आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो एक 4K वीडियो। हाँ गाइस, लेकिन सेल्फी कैमरा में सिर्फ 8MP का मिलता है जो सबसे कम माना जाता है। 8MP का AI सेल्फी कैमरा इतना भी अच्छा फोटोज क्लिक नहीं करता है। और नो डाउट इस फोन के अंदर सभी सेंसर देखने के लिए मिलता है लेकिन एक सेंसर मिसिंग है, एक लाइट सेंसर मिसिंग है और एक सेंसर मिसिंग है गाइस जो है आयर ब्लास्टर बहुत मदद करता है। आपका TV रिमोट कंट्रोल करता है, जो आपका घर का AC है वो भी कंट्रोल करता है। और गाइस लेकिन इसका जो प्रोसेसर देखने को मिलता है नो डाउट MediaTek का G85 देखने को मिलता है जो आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी का मिलता है, लेकिन इसका जो आपको ऑक्टा कोर मिलता है सिर्फ 12 नैनोमीटर। हाँ गाइस 12 नैनोमीटर आपका बैटरी को कंज्यूम करता है ज़्यादा। जब इस फोन के अंदर आप लॉन्ग टाइम गेम खेलोगे ये फोन बहुत ही हीट करने वाला है क्योंकि MediaTek का प्रोसेसर ज़्यादा हीट करता है और इस फोन के अंदर कोई भी लिक्विड सिस्टम नहीं है। इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इस थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है और MediaTek का प्रोसेसर सबसे सस्ता में मिलता है। इस फोन के अंदर में जो हमें बैटरी मिलता है नो डाउट काफ़ी अच्छा बैटरी देखने के लिए मिलता है, एक 6000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके साथ 18W का फास्ट चार्जर मिलता है। जो आपका 25W का चार्जर मिल जाता तो फिर काफ़ी अच्छा हो जाता क्योंकि 6000 mAh का बैटरी है लेकिन सिर्फ 18W का चार्जर है गाइस, एक मुझे डिसअपॉइंट लगा। इस फोन के डिज़ाइन के बारे में बात करूं तो फिर एक पंचोल कैमरा देखने के लिए मिलता है तो फिर एक बहुत बढ़िया होता, लेकिन इस पर पंचोल कैमरा नहीं मिलता है। और फ्रेंड्स का जो बैक साइड है इसमें कोई भी प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया गया और इसका बैक साइड में कोई भी ग्लास यूज़ नहीं किया गया, एक प्लास्टिक सा बैक है जो सभी रियलमी का सीरीज में मिलता है जो C25 और C25s का एक सेम लुक है, कोई भी नया लुक इसमें नहीं डाला गया है जो मुझे एक डिसअपॉइंट लगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। गाइस इसके फ़ोन के प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन हमें नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि बाकी स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे होते हैं कि वो रेडमी का नोट 10 आप ले सकते हो गाइस जो काफ़ी अच्छा है, एक सुपर AMOLED प्लस का डिस्प्ले मिल जाता है जो आपको काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलता है गाइस, इसका प्राइस भी 12,000 में मिलता है, वो भी स्नैपड्रैगन का सेंसर भी देखने के लिए मिलता है फ़ोन के अंदर जो सबसे महंगा डिस्प्ले मिलता है।